सुन रही निगाह खामोश उदासता कर रहा गुमा दिल ये बेजुबान चुन लिया तुझे ए मेरे मेहरबान कैसे तू मेरी रूह में बस गया के तुझ बिन अधूरा है अब ये मन तुझसे ही पूरी हुई धड़कन तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी के तुझ बिन अधूरा है अब ये मन तुझसे ही पूरी हुई धड़कन तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खेलने जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। मैंने तुम्हें मकान किराए पर रहने के लिए दिया था, तुम लोगों ने यहां स्कूल खोल लिया। खोलो मीना, मीना आ जाओ। हैं, यहां तो स्कूल था। वो आपको गलत फहमी हुई है, वो तो पापा मीना को पढ़ा रहे थे। गलत फहमी ही तो हुई थी जो मैंने आप लोगों को मकान किराए पे दिया और आप लोगों ने यहाँ स्कूल खोल लिया। कहाँ है स्कूल? मैं अभी देखता हूँ। अच्छा तो ये हो रहा है, चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से। ये हो रहा है, आप लोग मेरी प्रॉपर्टी को कमर्शियली यूज कर रहे हैं, मेरे मकान का किराया दें और खाली करें फौरन। कासिम अंकल, असल में ना मीना के लिए गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल नहीं था, तो पापा ने सीख कर मोहल्ले के ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया फ्री में। हम बच्चियों से फीस तो नहीं लेते। हाँ तो लिया करें, फीस लें, मेरा किराया दें और मकान खाली करें। ऐसे होते नहीं है, मकान किराए पे ले लेते, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पापा आप फिक्र नहीं करें, एक बार मुझे ड्रामे में मेन रोल मिल गया ना, फिर आप देखिएगा हम अपनी मीना के लिए गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल भी बनाएंगे और रहने के लिए हमारा बड़ा सा घर होगा। जीनो घर पे है? नहीं जी, हाँ जी घर तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? नताशा, मेरी बात सुनो। नताशा की बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मगर तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Oh really? Of course. ये लड़कियाँ तो आती जाती रहती हैं, it's okay, you know, I love you. Whatever, Dino. नताशा, नताशा, नताशा। Dino, कौन थी ये? मैंने पूछा उससे, बताया ही नहीं। हेलो, हाँ जुल्फी। दीनू, वो शूट कैंसिल हो गई यार। व्हाट? मगर क्यों यार? उस एक्ट्रेस की वजह से आज भी नहीं आई वो, मुसलसल नुकसान हो रहा है हमें। अरे यार तुम्हें डायरेक्टर किसने बनाया? हाँ तुमसे तुम्हारी कास्ट हैंडल होती नहीं है, बजाय ये इस मसले को सॉल्व करो तो मुझे फोन कर रहे हो। दीनू अपना मूड तो ठीक करो। Of course. Music लगा। Okay. ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरा भी मूड खराब करेगा। हेलो, कहाँ हो तुम? पहुंची नहीं हो अभी तक? डेट दी थी यार तुमने। मैं डेट पर ही हूँ। फौरन पहुंचो,
वरना तुम्हारी जगह प्लास्टिक सर्जरी करवा के किसी और को कास्ट कर लूंगा मैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? तुम मुझे निकालोगे प्रोजेक्ट से? बिल्कुल निकाल सकता हूँ मैं। अभी पहुंचो वरना तुम इस प्रोजेक्ट से आउट। ये क्या बदतमीजी है? ये मुझे कट करेगा प्रोजेक्ट से? तुम बात करो इससे, निकालो इसे बीसी वक्त। जुल्फी क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारे साथ? पहले तुमसे एक्टर्स हैंडल नहीं होते, उसके बाद तुम उनसे बदतमीजी करते हो, कैसे कट कर सकते हो तुम इसे? समझता क्या ये खुद को? तुम अभी इसी वक्त डायरेक्टर चेंज कर दो। ओके ठीक है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त फायर करता हूँ। बाय। थैंक गॉड तुमने टेंशन भगा दी। इंतहाई लीचर किस्म का डायरेक्टर था ये, लेकिन तुम दूसरे प्रोड्यूसर से काफी डिफरेंट हो। आई नो राइट सर, वो एक्चुअली कहीं से फोन आ रहा है, मुझे कहीं पहुंचना है। अगर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की 40% पेमेंट कर देते तो अच्छा होता। पहले वाले प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है? 40% कंप्लीट हो गया। हमसे तय किया था कि जुल्फी उसे डायरेक्ट करेगा, तुमने उसे निकाल कर नए डायरेक्टर को दे दिया। अरे आओ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले पहला प्रोजेक्ट जुल्फी से कंप्लीट करके दो। एज ए प्रोड्यूसर आप ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। जो डायरेक्टर तय किया था वो बदलोगे तो हमारा रवैया भी बदल सकता है और तुम्हें जुल्फी को सॉरी करना होगा। मैं जुल्फी से सॉरी करूं? बिल्कुल। ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, समझते क्या है आप अपने आप को? हाँ, दो मिनट में ये सारा चैनल खरीद सकता हूँ। डीनो बारी नाम है मेरा। बिहेव योरसेल्फ। डीनो तुझे प्रॉब्लम क्या है यार? तुम दूसरे चैनल से बात कर लो, बल्कि मेरी मानो अभी फोन मिलाओ, अभी बात करो। हाँ ना, ट्रायल तो करो। बताता हूँ उसको अभी। हाय बख्शी साहब, डीनो बात कर रहा हूँ। डीनो साहब कैसे हैं आप? शुक्र है आपने हमें भी लिफ्ट कराई। जी ठीक ठीक। वो एक बड़ा अलग किस्म का ड्रामा बना रहा था, मैं सोच रहा हूँ चैनल वाई को नहीं दूँ, आपको दे दूँ। वाह जी वाह, हम अभी से इसकी पब्लिसिटी शुरू करते हैं। हाँ जी वो सब ठीक है, वो कुछ पुराना हिसाब किताब था हमारा। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो जी, मैं कह रहा था कि ड्रामा दे रहा हूँ ना आपको। हाँ हाँ डन हो गया। हाँ जी, लेकिन उससे पहले एक हिसाब था हमारा, वो क्लियर कर दें। बताएं क्या, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, फुकरे हो गए, हम बता रहा हूँ तुझे। अरे डीनो तुम्हें किस बात की टेंशन है यार, इतने पैसे तो हैं तुम्हारे पास और तू अच्छी तरह जानता है कि जब भी तेरी दादी आती है तो नोट पे नोट लेकर आती है तुम्हारे लिए। डीनो भाई मेरी मानो, दादी को फोन करो। हाँ ना करो तो सही, देखो क्या कहती है। हाय दादी, मिस यू। अच्छा तो डीनो बाबा को पैसे चाहिए? नहीं दादी पैसे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बस फोन कर रहा था आपको। अच्छा ठीक है, रुकवा देती हूँ। नहीं नहीं कह दी है तो। अच्छा सुनो, वो डॉक्टर ने मुझे ट्रैवलिंग से मना किया है, तुम्हारे बर्थडे पे तो नहीं आऊँगी, लेकिन अकाउंटेंट चुचा से बात हो गई है, वो तुम्हें पैसे भेज देगा। अच्छा थैंक यू दादी, थैंक यू, बाय। देखा मैंने कहा था ना पैसों की टेंशन नहीं होगी। पैसों की टेंशन नहीं, पैसा बहुत बहुत दादी है भाई, बहुत पैसा। इनसे किराए की रकम कहाँ पूरी होगी? अरे पापा आप फिक्र नहीं करें, एक बार मुझे लीड रोल मिल गया ना, फिर आप देखिएगा मैं कितनी बड़ी स्टार बन जाऊंगी। तो वापस आ जाओ। आ गई, आ गया मालिक मकान। एक काम करें आप, इन सबको जमा करें, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। अच्छा रुके, मुझी किराया। एक मिनट, ये रहा आपके इस महीने का किराया, बाकी 3 महीनों के भी इसी महीने मिल जाएंगे। ये तो 5 है। 10,000 गिन लीजिए पूरे।
ओ, मैं क्या ढूंढ रहा हूं। हाँ, याद आया, मैरिज सर्टिफिकेट होगा आपका? क्या कह रहे, क्या मतलब? मतलब निकाहनामा, निकाहनामा है आपका? क्या कह रहे हैं आप, दादी ने आपको पैसे देने के लिए भेजा है। दादी ने कहा है कि आपको तब तक हिस्सा नहीं मिल सकता जब तक आप मुझे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, और मैरिज सर्टिफिकेट तब दिखाएंगे जब आपकी शादी हुई होगी। और शादी मेरी हुई नहीं। बस, तो आपने 10 साल इंतजार करना है। अभी आपकी उम्र है 25 साल, तो दादी के कहने के मुताबिक 35 साल की जब आपकी उम्र हो जाएगी तब आपको आपकी जायदाद में से हिस्सा दिया जाएगा। तब तक आप ये काम करें, ये 1,000,000 का चेक है, यहाँ आप जरा साइन कर दें। 1,000,000 बस? 10 लाख, 10 लाख रुपए होते हैं। 1,000,000 को इग्नोर करें, 10 को एंजॉय करें। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बात करता हूँ दादी से। हेलो दादी जी, वो शुजा साहब आए, मैं 1,000,000 का चेक दे रहे हैं, इससे ज्यादा तो मेरी प्रोडक्शन का लॉस हुआ है। नहीं दादी, दरअसल दादी वो, दादी तीनों पहले दादी चुप हुई है, तू चुप हुआ है। 9,000,000 का चेक दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अमानत, ये लीजिए, यहां पे साइन भी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, ऐसा है कि मुझे हैं और भी बहुत सारे काम, तो अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दे इजाजत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओए, ये सब क्या है? दादी ने शर्त रखी है, शादी करूंगा तो जायदाद मिलेगी। क्या करें, तेरी शादी करेंगे और क्या करेंगे, रेडी हो जा। हाय नताशा, ये फूल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, I'm really sorry, उस दिन जो हुआ, दरअसल मुझे पता होता कि तुम आने वाली हो, वो वहाँ कभी भी नहीं होती। That's okay. क्या तुम अब तक मुझसे मोहब्बत करती हो? वो बात बोलो जो बोलने आए हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो मुझे पॉप्स से पूछना पड़ेगा। पॉप्स? तुम्हारे अबू आए हैं? पॉप। अच्छा बीबी, ऐसा है कि चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, बंदूकें चल रही हैं, आपने अपने आप को बचाना है। जी ठीक है, आप बस गोलियों की आवाजें निकाल दीजिएगा। निकाल लोगे? जी बिल्कुल निकाल लूंगा जी। एक्शन। नाम काटो उसका, नाम काटो, ये मेरे किसी प्रोजेक्ट में नहीं होगी ये लड़की, नाम काटो इसका। क्या कमी थी मेरी परफॉर्मेंस में सिवाय इस विक के? निकलो निकलो। मैंने मारिया को बुलाया, अब दुआ कर शादी के लिए मान जा। फिर ये ले भाई। कोई है, कोई है जो मुझे मेरे घर तक छोड़ा है, कोई मुझे रास्ता बता दे, कोई है?
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यही ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पता है मुझे। हाँ वो भी, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ नेक्स्ट मंथ मेरे पास डेट कौन सी अवेलेबल है। तुम वाकई राजी हो? 100%। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का कोई मसला नहीं है, वो हैंडल कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें, मतलब कल ही। इतनी जल्दी? मारिया शादी करनी है, अब आज करें या कल, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। किस चीज़ में? डिवोर्स में। डिवोर्स में? किसकी डिवोर्स में? मेरी। एक्चुअली तुम बिल्कुल राइट टाइम पर आए, मैं अभी अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का सोच ही रही थी, लेकिन अब मैं ये फाइनल कर देती हूँ। तुम्हारी पहले से शादी हुई भी है? कभी कभी शादी शुदा होती हूँ, लेकिन प्रॉमिस नेक्स्ट शादी में तुमसे ही करूँगी। व्हाट? व्हाट? कहाँ जा रहे हो? कॉल में। ओके थैंक यू बाय। अच्छा लेकिन खाने का बिल तो देते जाओ। दादी पाकिस्तान आ रही है, पति बनते ही करोड़पति बन जाना था पर। हाँ ये तो है। वैसे डीनो यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। बस इजी हो जाओ। मतलब स्ट्रेंज बात है यार, मतलब हैरत है। डीनो आइडिया बोल भाई, इधर तो देख। हाँ। यार क्यों ना हम ऑडिशंस लें और जो लड़की तुम्हारी बीवी का रोल कर सकती है उसे एक हफ्ते के लिए हायर कर लेते हैं, ताकि सम्मान लेने के बाद उसे अरे कैसा कैसा ओरिजिनल है तो। थैंक यू यार। फायदा नहीं है, बता रहा हूं तुझे, कैंसिल कर दे। ओके जी एवरीबॉडी थैंक यू फॉर कमिंग, ऑडिशंस कैंसिल हो गए, आप लोग जा सकते हैं। अरे ऐसे कैसे कैंसिल हो गए? कन्विंस के पैसे थे, इतना खर्चा करके आए हम लोग। आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नूर, अपकमिंग स्टार। अच्छा कब से एक्टिंग कर रही हो? जब से पैदा हुई हूँ। बीवी बनकर दिखाओ। महीने के शुरू वाली आखिर वाली? दोनों। ओके महीने के शुरू वाली। चाय पियेंगे? नहीं अब महीने के आखिर वाली। लो पी लो चाय। ओके ये रोल तुम्हें क्यों दे? क्योंकि मैं स्मार्ट रिस्पॉन्सिबल और कमिटमेंट वाली लड़की हूँ। रोल क्या है? डीनो की बीवी का रोल है। अच्छा ये भी एक्टर है? नहीं मैं बताता हूँ, 25,000 मिलेगा पर डे। करना ये है कि मेरी बात सुनो, दादी को दुबई से बुलाया, उनको यकीन आना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। उनको यकीन आ गया तो ज्यादा मसला होगा। क्यों मसला होगा? मैं बोलूंगा तुम अमेरिका में रहती हो और वहीं पे जॉब करती हो, थोड़े दिन बाद तुम जॉब करने चली जाना, मैं बोलूंगा वो वापस नहीं आ रही है, जॉब नहीं छोड़ना चाहती, खुला मांग रही है। ठीक है तो इसका मुझे क्या फायदा होगा? आई मीन सारी परफॉर्मेंस मेरी और फायदे तुम्हारे? एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस का फायदा प्रोड्यूसर को ही होता है ना, और वैसे भी इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, गूंगे मेरे बच्चों का स्कूल नहीं बनवाना। हाँ चले। अरे रुको ना, ऐसे जाओगे क्या? कपल लगना चाहिए। चलो। ओ वाव, ये तुम्हारी दादी है? अरे नहीं उनकी पोर्ट्रेट है। अच्छा तुम यहाँ पे रुको, मैं उनको लेके आता हूँ। हाँ ये रुकना। दादी दादी फ्लाइट ठीक थी आपकी? फ्लाइट ठीक थी, शॉर्ट फ्लाइट होती है दुबई से। वाव दादी आप कितनी ग्रेसफुल हैं। ये कौन है डीनो? यही तो बताने के लिए बुलाया मैंने आपको,
ये मेरी बीवी है। What? क्या वो पानी लाओ के लिए? मैं ठीक हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन ये तवक्को भी नहीं थी। वो दादी सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि पता ही नहीं चला। हाँ दादी, सब कुछ इतना जल्दी। तुम चुप करो, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कैरेक्टर नेम तो डिसाइड ही नहीं हुआ। नूर नाम है मेरा। दादी नूर अमेरिका में रहती है, पाकिस्तान आई भी थी तो। अच्छा, ये बताओ कि तुमने इसे सिलेक्ट कैसे किया शादी के लिए? ऑडिशन नहीं। दादी इसका मतलब वो बहुत बड़ी लिस्ट थी ना लड़कियों की चुनने में से। वो इसके पेरेंट्स भी अमेरिका में रहते हैं। अब देखो, तुमने मुझे बताए बगैर चुपके से शादी कर दी, लेकिन अब हमें एक रिसेप्शन करना होगा, एक बहुत बड़ा रिसेप्शन। ये बारी फैमिली की शादी है। ये तो मुआहदे में नहीं था। किस मुआहदे की बात कर रही हो? बहुत सारे चैनल्स के साथ मेरे मुआहदे हुए हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा दादी, रिसेप्शन की क्या जरूरत? जरूरत है। खबर इतनी अचानक थी कि मेरा ऐसा रिएक्शन तो होना ही था। कौन सी खबर? मेरी और तुम्हारी शादी की नूर। ओ अच्छा, वो मैं पापा का फोन आ रहा है। हेलो जी पापा, वो मैं सीन के बीच में आपसे बाद में बात करती हूँ। मेरी बात कराओ पापा से। अब नहीं नहीं, वो पापा तो गेले। हेलो, कट गया अलग। इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? अब फोन डेड हो गया, मैं इसको जरा चार्ज करके आपको। दिनो ये बताओ कि तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई नूर से? कॉफी शॉप पे। मैं गया कॉफी शॉप पे तो वहाँ पे बैठ के कॉफी पी रही थी और एक दोस्त था, उसने हमें इंट्रोड्यूस कराया बस। अच्छा अच्छा, शरीफा नूर बीबी के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाएं। जी बेहतर। कॉफी? नहीं नहीं, मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक कर रही हो ना? मजाक करी, मजाक करी है, ये बहुत पसंद है इसको कॉफी। दीनू साहब, आपके फ्रेंड मसीह साहब आए। हाँ उनको बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। नूर बेटा, तुम बताओ कि तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई? दीनू के साथ मेरी पहली मुलाकात, रुके, बहुत रोमांटिक मुलाकात थी। बारिश हो रही थी और मैं फंस गई थी, फिर दीनू ने मुझे लिफ्ट दी और कितनी रोमांटिक मुलाकात है ना। जरूरत से ज्यादा ही। क्या मसला है? मुझे बार बार फोन क्यों कर रही थी? और ये क्या, कहाँ जा रही हो? 11:30 हो चुके, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। ओ हेलो, ये कोई असली ड्रामा थोड़ी है। तो और क्या है, सारी एक्ट्रेसेस ऐसी शिफ्ट्स में काम करती हैं। अरे दादी पूछेंगी तो क्या कहूंगा? मेरे पापा का फोन आ रहा है बार बार, मुझे उनको दवा देनी है और मीना मेरे बगैर सोती नहीं है। तुम मुझे छोड़ के जाओगी? नहीं, तुम मुझे छोड़ के आओगे। देखो मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अगर दादी पूछेंगी तो मैं क्या कहूंगा? कहते ना आज मैं जल्दी सो गई। नो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा। तो ठीक है, किसी और से करा लो, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे एक दफा देखने दो, शरीफा तुम्हें छोड़ के आएगा। पापा, बेटा इतने ज्यादा पैसे? पापा अभी तो शुरुआत है, आप देखिएगा आपकी बेटी के ये बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स होंगे, और मालिक मकान के मुंह पे मारिएगा किराए के पैसे सुबह को। अरे मुंह पे मारने की क्या जरूरत है, वैसे ही दे देंगे बेटा। ओके पापा, लेकिन अब बहुत जल्द मेरी मीना के लिए स्पेशल स्कूल होगा जिसके प्रिंसिपल आप होंगे, मोहल्ले की सारी स्पेशल बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे।
ये क्या मालिक मकान ने सूंघ लिया कि हमारे घर में पैसे आ गए? सुबह का इंतजार नहीं हुआ इससे? दादी आप अंदर नहीं बुलाओगी? चलो मैं खुद ही आ जाती हूँ। अरे आइए आइए, तशरीफ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर बेटा तारुफ तो करवाओ। मैं खुद अपना तारुफ करा देती हूँ। मेरा नाम तमकनत बारी है और मेरा पोता एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस चलाता है। पापा इनके लिए फ्रेश जूस लाइए ना। हाँ 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 जरूर बेटा। शरीफा नीचे जाके इंतजार करो। दादी प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताइएगा, वो हार्ट पेशेंट है। मैं ये सब नहीं करती, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं लालच में आ गई थी ताकि मालिक मकान को किराए के पैसे दे सकूं और पापा और मीना के लिए स्पेशल बच्चों का स्कूल खोलूं। अच्छा अब तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ है? दादी वो मैं डीनो की असली बीवी नहीं हूँ। उसने मुझे हायर किया था ताकि आपको लगे कि उसकी शादी हो गई और उसको जायदाद में हिस्सा मिल जाए। अच्छा तो डीनो ने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है? जी, और उसे कहा था कि एक हफ्ते बाद मैं आपको ये बोलूं कि मुझे अमेरिका जाना है क्योंकि मैं अपनी वहाँ की जॉब नहीं छोड़ सकती, और बाद में हम ये कहेंगे कि मैंने वहाँ जाके खुला ले ली। कितने पैसे दे रहा है वो तुम्हें? 30,000 पर डे। काफी कंजूस है। अच्छा देखो अब मैं तुम्हें हायर करूंगी, तुम मेरे लिए काम करो। अब किस लिए? क्योंकि मुझे डीनो को सबक सिखाना है। जो बीवी जैसे रिश्ते को बिजनेस समझने लगे वो ना अच्छा इंसान है ना अच्छा बिजनेसमैन। क्योंकि ये वाहिद रिश्ता है जो खुदा ने दुनिया पर बनाने के लिए इंसान को इख्तियार दिया है। बाकी सारे रिश्ते, बाप बेटा, माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताए, ये सब खुदा ने खुद बना कर दिए। सब रिश्ते इंसानों को बनाने पड़ते ना, पता नहीं रिश्ते दुकानों में मिलने लगते। मुझे डीनो को बताना है कि रिश्ते किराए पर नहीं मिलते, रिश्ते रेंट के लिए नहीं होते। दादी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताइएगा। जी जी आपका नाम? जी कयूम मलिक। अच्छा तो कयूम साहब आपकी बेटी की परफॉर्मेंस आज मैंने देखी, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है ये। ऐसा है कि मैं जापान में 2 माह के लिए एक ड्रामा करने जा रही हूँ, आपकी बेटी भी उसमें होगी, तो आपसे इजाजत लेना चाह रही थी। 2 माह? नहीं, इतने दिन मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं रह सकती। रह लेगी, आपका इलाज करवाना है इसने, गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल बनाना है इसने, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है इसकी देखभाल हिफाजत वो मेरी जिम्मेदारी होगी। कल से नूर काम पर आ जाए। ये कुछ एडवांस मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। एतराज तो कोई नहीं, लेकिन इसके बगैर इतने अरसे मैं और मीना। हो सकता है कि 1 माह में ही काम खत्म हो जाए। ये चेक रख लीजिए, एडवांस है ये। दादी आपने बुलाया? हाँ भाई, नाश्ते पे ना तुम हो ना तुम्हारी बीवी। मैं आ गया ना। और तुम्हारी बीवी? वो सोई हुई है। सोई हुई है? अच्छा ठीक है, मैं उसे जाके जगाती हूँ। नहीं दादी, वो दरअसल देखो उसे इस घर के उसूल समझने होंगे। रोजाना सुबह 8 बजे उसे नाश्ते के मेज पे रहना है, समझ गए? जब बुला के लाओ उसे।
دادی وہ دراصل وہ کمرے میں نہیں ہے. کمرے میں نہیں ہے تو صبح صبح کہاں چلی گئی؟ جاگنگ پہ گئی ہے صبح صبح. جھوٹ بول رہے ہو. دادی چلے نا بریکفاسٹ کرتے ہیں. تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ دادی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ تم نے مجھے کہا کہ وہ جاگنگ کر رہی ہے اور وہ تو یہاں کچن میں. تم آ گئی؟ ہاں وہ آپ مجھے لینے نہیں آئے تو میں ٹیکسی میں آ گئی. کہاں سے آئی ہے تم ٹیکسی؟ پارک سے. جاگنگ پارک سے ٹیکسی میں آئی ہے. سوری دادی میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکی. اب جا کے کر لو گرم ہے. دادی وہ پراپرٹی کا کیا بنا؟ پراپرٹی کا سارے ڈاکیومینٹس شجا صاحب کے پاس ہیں, انہیں جا کے مل لو. That was one of the most emotional things I've ever seen inside a sporting stadium. Every single person inside camp now on their feet holding the banner. We see the huge sign saying Gracias Johan. We saw the Catalan flag, the Barcelona flag and the دستک بھی بس دستک ہوتی ہے, اب بس بھی کرو. تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں کیا کرتے ہیں, سوتے ہیں نا, سونے والی ہوں. دروازہ کھولو. کیا پرابلم ہے؟ ارے مجھے سونا ہے اور کیا. اچھا رکو. یہ کیا ہے؟ اتنا بھی نہیں پتا, تکیہ اور چادر ہے. دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ. میں اگر دوسرے کمرے میں جا کے سوؤں گا تو دادی کو شک ہو جائے گا. تم دروازہ کھول رہی ہو یا نہیں؟ مصیبت. میرا کمرہ یہاں پہ, میں سوؤں گا. تکیہ اٹھا, سامان اٹھا, باہر جا کے سو. سوفے پہ. جی نہیں, اس بیڈ پہ میں سوؤں گی, تم باہر جا کے سو. کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر میں باہر جا کے سوؤں گا تو دادی کو شک ہو جائے گا. Do you get that? تو ٹھیک ہے, میں دادی کو سب کچھ بتا دیتی ہوں جا کے. میری بات سنو, یہ بلیک میلنگ ہے. دیکھو مجھے لگتا ہے ہم اس طرح سے نا آگے ساتھ نہیں چل سکتے, تو آئی تھنک ہمیں رولز بنا لینے چاہیے, ورنہ میں یہ پروجیکٹ چھوڑ کے چلے جاؤں گی. ٹھیک ہے, بناؤ رولز. گڈ. تو رول نمبر ون یہ ہے کہ تم مجھے ٹینشن نہیں دو گے, کیونکہ اگر تم نے مجھے ٹینشن دی تو میری پرفارمنس پہ بہت فرق پڑے گا. اوکے. اور رول نمبر ٹو یہ ہے کہ مجھے ڈائیلاگز امپروائز کرنے کی اجازت ہوگی. نو. تم دادی کو وہ بولو گی جو میں تمہیں بولوں گا. تم ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بول سکتی. تو ٹھیک ہے, میں یہ بات اپنے اسٹائل میں بول دوں گی. ٹھیک ہے, لیکن میری بات سنو, جب تک یہ پروجیکٹ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جا سکتے, اور اگر تم کہیں گئی ایک ایک پائی واپس لوں گا میں تم سے. اوکے چلو, اب یہاں سائن کر دو, بلکہ انگوٹھا لگا دو, سائن تو چینج ہو کرے. چلو اب جاؤ یہاں سے, کیونکہ رول نمبر ون کے مطابق تمہارے یہاں ہونے سے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, تم زندگی بھر اسی طرح کی ایک اسٹرگلنگ ایکٹریس رہو گی. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی, ٹرسٹ می. شب خیر. پاگل. دادی ہاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
सोए नहीं? मैं सो गया था। या नींद में चल रहे हो? और ये तक क्या क्या कर रहे हैं? ये चेंज करना है, सही नहीं है। कर ले जा। चाहती असली हो या नकली, टेंशन असली होती है। बोल। ओ हेलो, आज 9 बजे तूने करोड़पति बनना था, डॉक्यूमेंट साइन करने जाने। हाँ, तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर से अपना सामान चाहिए। ले लो अपनी चीजें। बाहर निकलो, मुझे अपनी चीजें चाहिए बाथरूम से। घर में एक ही बाथरूम है क्या? अरे घर में 10 बाथरूम हो यार, ये मेरा बाथरूम है, मेरा सारा सामान है, मुझे चीजें चाहिए, बाहर निकलो। हेलो हेलो, टू मच। अब रहो यहीं तक, मैं वापस नहीं आता। लीजिए जी, एक साइन यहां कर दें, एक यहां पे। भाई बहुत बहुत मुबारक, पति बनने की और करोड़पति बनने की, एक साथ ही मिठाई मंगवा लें। चेक लाइन। इस तरह तो बीवी अपने शोर से नहीं मांगती जिस तरह तुम मांग रहे हो। ये क्या, ये तो 10 मिलियन है। हाँ तो ये भी आपकी जो शादी की शर्त थी पूरी करने पे मिल रहे हैं, अगर कोई गैर कानूनी काम किया तो लीगल एक्शन हो जाएगा। आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे? मैं नहीं, दादी के वकील जो है वो लीगल एक्शन करेंगे। लेकिन दादी तो कह रही थी शादी करूंगा तो मुझे जायदाद में से मेरा हिस्सा मिल जाएगा। मिल रहे हैं ना, 110 मिलियन आपका हिस्सा था, 10 मिलियन आपको मिल गए, बाकी 100 मिलियन 1 मिलियन फी हफ्ता के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे अगर आपकी शादी बरकरार रही। लेकिन दादी ने तो, ये भी दादी ने ही कहा है। अच्छा दीनो, ऐसा लग रहा है तुम्हारी दो दादियां हैं जो अलग अलग हुक्म दे रही हैं। 100 हफ्ते, इसका मतलब पता है तुम्हें 1 साल 11 महीने तक तुम्हारी शादी चलेगी। इस चेक को रखना है या वापस करना? अरे वापस क्यों करना है, जाहिर सी बात है चाहिए चेक। कोई ऐसी जॉब नहीं जिसमें 1 मिलियन पर वीक मिलेंगे हमें, मेरी मानो तो रख लो। कितने महीने बोले तूने? 100 हफ्ते यानी कि 1 साल 11 महीने। अबे मैं तो उसको बाथरूम में बंद करके आया हूँ। अच्छा वो जरा मिठाई अगर हो जाती तो जाने दे, कोई जरूरत नहीं मिठाई की, शुगर बढ़ जाता है। एक तो मीठी डालना मिठाई में, मीठी डालना बिल्कुल। डीनो इधर आओ। जी दादी। तुमने नूर को बाथरूम में क्यों लॉक किया? मैंने नहीं तो खुद ब खुद हो गया होगा। अच्छा तुम जानते हो कि वो ऊपर से नीचे छलांग मारने वाली थी, अगर वो गिर के मर जाती तो क्या होता? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था दादी। और तुमको ऐसा करना चाहिए था? हाँ मुझे बता, तुम इससे प्यार भी करते हो या सिर्फ जायदाद की खातिर हो? ऑफ कोर्स आई लव हर दादी।
क्या हुआ? हाँ? मोटी करो अपना। बैठो मत माली, चाय लेकर आ। जी। मेरी बात सुनो, तुमने मुझे गुस्सा ज्यादा दिला दिया था इसलिए मैंने तुम्हें नॉक किया। तुमने मोहिते का रूल नंबर 1 तोड़ा है, अगर अंदर किया ना तो मैं छोड़ दूंगी। अच्छा नहीं, चलो भी अपना मुंह ठीक करो ना, मुस्कुराओ ना प्लीज। हाँ नहीं देखो, हम दोनों का नुकसान होगा। अच्छी एक्ट्रेस बनो, कम ऑन। बनो क्या मतलब, मुंह में। ओके वेरी गुड। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा मेरी बड़ी हिम्मत थे, उनसे कभी कोई गलती हो जाती ना तो वो यूं बिहेव करते जैसे उनका कसूर है। क्योंकि शादी का रिश्ता जजमेंटल नहीं, लव मेंटल होना चाहिए। नूर, डीनो को वो बात बताओ जो तुमने मुझे बताई थी। हाँ वो मैं दादी को ये बता रही थी कि मैं अपनी यूएस वाली जॉब से रिजाइन करी क्योंकि मुझे अपना और डीनो का रिश्ता बहुत अजीज है। नो नो नो। क्यों, तुम खुश नहीं हो डीनो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि नूर समझती है दैट फैमिली कम्स फर्स्ट। ये सब इसने तुम्हारे लिए किया है। दादी, इसको वो जॉब फिर से थोड़ी मिलेगी ना। हाँ तुम्हारी कंपनी में। नूर, डीनो की आदत है कि लोगों के सामने अपनी खुशी का इजहार नहीं करता, लेकिन तुम तो इसकी बात समझती हो ना। बिल्कुल, बंदा अगर घोरिया ना करे तो बंदा बहुत अच्छा है। चाय पियो। ये सब क्या था? इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन, तुम्हें कहा भी था इम्प्रोवाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुमने रूल तोड़ा है। मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है क्योंकि दादी को शक हो गया था कि हमारा रिश्ता फेक है, इसलिए उनको यकीन दिलाने के लिए मैंने मोहब्बत का ड्रामा किया। मुझे भी लग रहा है उनको शक हो गया, उन्होंने जो ये शर्तें रखी है ना प्रॉपर्टी देने में। तो चलो शाबाश, थैंक्स बोलो मुझे। मेरी इम्प्रोवाइजेशन की वजह से तुम बच गए, थैंक्स बोलो। अच्छा ठीक है ओके इजी। ये ठीक है कोई वर्ड नहीं होता, थैंक्स बोलो। ओके थैंक्स। बंदा थैंक्स बोलता रहे तो बुरा नहीं है। आगे बताओ क्या करना है। आओ बैठो दोनों, आओ आओ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह दादी, ये कितना खूबसूरत है, आपका है? नहीं, अब ये तुम्हारे हैं, मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ। लेकिन दादी ये तो बहुत कीमती हैं। लेकिन हमारी बहू से ज्यादा कीमती नहीं है। नहीं दादी, मतलब खानदानी है और पैसे थोड़ी किसी को दे सकती हैं, संभाल के रखे। किसी को थोड़ी दे रही हूँ, मैं भी तो खानदान में ही रख रही हूँ इन्हें। अरे ये आपकी बहू थोड़ी है। क्या कहा? वो डीनो के कहने का मतलब है दादी। चुप रहो। क्या कहा तुमने डीनो? मेरा मतलब ये जो आपकी बहू है ना, ये थोड़ी और तरह की है, इसको ये जूलरी वूलरी नहीं पसंद। क्यों नूर? लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है। दादी ये कहाँ संभाल पाएगी? ये तुम्हें संभाल लेती है ना, तो दुनिया की हर कीमती चीज संभाल सकती है। थैंक यू दादी। ट्राई करो। ये ज्वेलरी उतारो, ये इस घर की ओरिजिनल बहू। क्यों? किसी एक्ट्रेस के लिए नहीं है, ओरिजिनल ओरिजिनल होती है और एक्ट्रेस एक्ट्रेस। तुम ये गलत कर रहे हो। अरे गलत तुम कर रही हो। ये क्या हो रहा है भाई? दादी वो ये कह रही थी कि इसको लॉकर में रख देते हैं। अच्छा तुम यूं करो कि तुम अपनी शादी उठा के लॉकर में रखवा लो। अरे भाई यही तो टाइम होता है ज्वेलरी पहनने का, क्या कर रहे थे तुम बताओ। बता दूं? हाँ बताओ नू, क्या कह रहा था ये? दादी ये कह रहा था कि ज्वेलरी उतारो मैं खुद पहना दूंगा। रियली? वाओ
पहनाओ भाई। हाँ आप पहनाओ ना। टाइट करो इसको प्लीज। वैसे नूर ये दिनों तुम्हारा ख्याल रखता है ना? दादी बंदा बन जाए तो बंदा बुरा नहीं है। अरे यार मस्ती, जब से दादी आई है निकलना ही अजाब हो गया। जब जाने की बात करता हूँ कहती है इसको साथ लेके जाओ। मुझे स्मोकिंग बिल्कुल नहीं पसंद। और मुझे वो लोग पसंद नहीं है जिनको स्मोकिंग पसंद नहीं है। ओह माय गॉड पापा का फोन आ रहा है, क्या करूं? इसका एक आसान हल है ना मेरे पास, फोन उठा लो। तुम लोग जापानी बोलना। जापानी क्यों? भूल गए पापा को बताया था कि मैं शूट के लिए जापान जा रही हूँ। हाँ हाँ ओ हेलो, हमें जापानी वपानी नहीं आती। अरे तो उसके अब्बा को कौन सी आती है, कुछ भी बोल। हाँ ठीक है तुम लोग बोलते रहना, मैं उनको कॉल बैक कर रही हूँ। ओके जी पापा, आपने कॉल किया था? अब पापा ये जो बोल रहे हैं जापानी है क्या? मीना का एक्सीडेंट हो गया पापा, कितने पैसे चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल में? मैं आ रही हूँ फौरन। हाँ मैं जापान में हूँ पापा, मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दें। अशरफ मेडिकल सेंटर, रूम नंबर 7। अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, मुझे दादी के पास ले चलो, मीना का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे एक दो मिनट का काम है वो करते हुए चले। लेकिन मेरे मीना का एक्सीडेंट हुआ है। अंकल डॉक्टर को पेमेंट हो गई है तो आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। जी अंकल हमने डॉक्टर्स को सब कुछ कह दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये डीनो का कार्ड है, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लें। और ये मेरा कार्ड है, अगर ज़रूरत ना हो तो फ़ोन कर लें। अंकल मैं मीना का एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकता हूँ नूर के लिए? हाँ बेटा ज़रूर। नूर मैसेज रेडी। स्वीट थैंक यू बाय अंकल, इजाजत दें। अरे नहीं नहीं मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ, आप लोगों का एहसान है मुझ पर। अरे नहीं अंकल आप यहीं रुके, हम खुद ही चले जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा मैं गाड़ी तक छोड़ कर आऊंगा। चलो चलो। अंकल हम निकलते हैं, सामने ही गाड़ी है। अरे बेटा आप लोग तो फरिश्ते बनकर आए हो मेरे लिए, बड़ा एहसान है आप लोग। अरे अंकल आप रुक जाए ना, हम चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। पापा ये लोग क्लीनिक आए। अरे मैं गाड़ी तक छोड़ कर। अंकल नहीं अंकल यहाँ पे खड़े हुए ना, मैं आपकी एक फोटो नहीं लूँ नूर के लिए? हाँ अंकल इस तरफ देखिएगा और स्माइल करें ठीक है? चले ओके स्माइल अंकल परफेक्ट। मैं जरा नूर से तो बात करूँ। हेलो नूर बेटा, तुम्हारे प्रोड्यूसर ने सारी पेमेंट कर दी है, सारे मसले हल कर दिए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह आपको खुश रखे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। ए नूर बेटा ये जापान में भी फकीर उर्दू में मांगते हैं पापा वो? हाँ बेटा ये अपने प्रोड्यूसर से तो बात करो। हेलो हेलो। हाँ ये तुम्हारे अब्बा जबरदस्ती हम लोगों को गाड़ी तक बिठाने के लिए आ रहे हैं, तुम गाड़ी के अंदर छुप जाओ। बाबा अल्लाह के नाम पे दे सर। अरे ये बताओ कि जापान में भी तुम्हारी कोई फ्रेंचाइज है? अरे बेटा ये ले 100 रुपए, चल जा यहां से, जा 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 जा। अंकल ये आपका फोन, बहुत शुक्रिया, हकीकत में गाड़ी सामने हम लोग चले जाएंगे। जी अंकल अल्लाह शुक्रिया। ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ चले गए, उठ जाओ। और ये देखो ये मीना का मैसेज है और वो बिल्कुल ठीक है, उसको ज्यादा चोट नहीं आई है।
तुम अच्छे काम करते रहो तो बंदे अच्छे हो। इन सब के लिए थैंक यू। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपनी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। जिस तरह तुम मेरी हेल्प कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट। ओ बेवकूफ, वो मिसाल यहाँ नहीं लगती है। पीछे बैठ। आप ये कैसे कर सकते हैं? चैनल्स वाले कुछ भी कर सकते हैं। आपने मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया। नहीं, वो प्रोजेक्ट हो रहा है। मेरा मतलब वो ही है, किसको दिया आपने? ये आपका मसला नहीं है, हम करवा लेंगे। वो आइडिया मेरा था, मेरा मसला कैसे नहीं है? कभी आपने चैनल्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं? उसके हिसाब से साइन करने वाले की पैंट और शर्ट भी उसकी नहीं रहती। आप भी हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो आप शुक्र करें कि हम आपको फ्री में जाने दे रहे हैं। क्या आप ठीक नहीं कर रहे हैं? ओए सुल्फी, इधर आ। हाँ बोल। तूने मेरा प्रोजेक्ट पकड़ा है साले चीटर। तमीज से बात कर। अबे तू मुझे तमीज से कहेगा? क्या जरूरत थी मारपीट करने की? अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तुम्हें? वो साला जुल्फी मेरा मुलाजिम होते हुए मुझे धोखा दे रहा है। क्या पता वो गलत नहीं हो, तुम्हें लग रहा हो। तुम उसकी साइड ले रही हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमेशा तुम सही नहीं होते हो, कोई और भी हो सकता है। ओ हेलो, मेरी बात सुनो, तुम भी मेरी एम्प्लॉई हो, ठीक है ना? एम्प्लॉई की लिमिट्स में रहो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। मुझे मेरी हैसियत बताने की बजाय पहले खुद देखो कि तुम क्या हो। अपने आसपास जो पंटे लेके घूमते हो ना, उसकी वजह से तुम अच्छे लोगों को दूर कर रहे हो खुद से। क्या तुम चुप हो सकती हो? किस किस को चुप कराओगे? चुप कराने की बजाय अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, लगामे डालो खुद पे। मुंह जोर घोड़ा हो या इंसान, मुंह के बल गिरता है। आउट आउट। क्या? गाड़ी से उतरो। असेट, गाड़ी से उतरो। मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। मैं ऐसे इंसान के साथ आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकती जिसमें एथिक्स ही ना हो। वो कभी भी किसी को भी रास्ते में छोड़ सकता है। यही तो डर है कि वो किसी को भी रास्ते में छोड़ सकता है। लेकिन नूर, वो हमेशा ऐसा नहीं था। तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये कुछ दीनो के बचपन की तस्वीरें हैं। ये देखो, जब ये इसकी पहली बर्थडे, जब ये पैदा हुआ, ये कोई एक और तस्वीर है। ये है दीनो की माँ तानिया, और ये दीनो जब 2 साल का था। दीनो कितना क्यूट लग रहा है ना, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। जब मेरा बेटा सफदर फौत हुआ ना, तो दीनो सिर्फ 5 साल का था। तानिया भी बहुत यंग थी। चंद साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली और कनाडा सेटल हो गई। दीनो को अपनी माँ से बहुत प्यार था। तानिया ने बहुत कोशिश की कि दीनो उसके पास कनाडा आ जाए, बहुत बुलाया, लेकिन दीनो को लगा कि उसकी माँ ने बेवफाई की है। उसने एक दूसरे मर्द को अपनी माँ की जिंदगी में कबूल ही नहीं किया। बस उसके बाद से वो इसी तरह रूड और वायलेंट रहने लगा। बच्चे के लिए माँ उसकी पूरी दुनिया होती है, और अगर माँ से एतबार उठ जाए ना, तो वो हर दुनिया के हर शख्स से एतबार उठ जाता है और वो खुद बेतबार हो जाता है। तो आपको लगता है कि दीनो की माँ ने उसके साथ गलत किया? नहीं, उसको गलत समझना एक खुदगर्जी होती है, क्योंकि जो हक उसे मजहब ने दिया है उसको गलत समझना गलत ही है। लेकिन बस उस वक्त से ना दीनो अपने आप से लड़ता रहा है। उसने सारी जिंदगी ना कभी सॉरी कहा, ना किसी को माफ किया, और ना कभी माफी मांगी। लेकिन दादी, इन 2 कामों के बगैर तो इंसान कभी भी मौजब हो ही नहीं सकता। लेकिन नूर, मुझे लगा कि तुम दीनो को बदल सकती हो, और मेरा यकीन अभी भी पुख्ता है कि दीनो ठीक किया जा सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। दादी, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझता। बेटा, कोशिश को कामयाबी में बदलने के लिए कोशिश को जारी रखना पड़ता है।
तुम्हारी सूरत में मुझे दीनू की जिंदगी बदलने का मौका मिला है और मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। दीनू इधर आओ। जी दादी। ये नूर क्या कह रही? दादी बस वो मुझे बड़ी खुशी हुई, तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए। क्या? मुझे बड़ी खुशी हुई जब नूर ने मुझे बताया कि कमाल है दादी, बड़े स्टाइल से बेइज्जती कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुमने अस्पताल में जाके एक स्पेशल बच्चे के इलाज की पेमेंट की, उनकी दिलजोई की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस यही बताया इसने? हाँ यही बताया, तुमने कुछ और भी किया? बस इसी तरह के काम करते रहा कर। सुन रही निगाह खामोश दास्तां, कर रहा गुमा दिल ये बेजुबान। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। घर से निकालने? नहीं, वो तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सॉरी कह रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इंसान सॉरी बोलने लगता है ना तो काफी मुहज़्ज़ब हो जाता है। तुमने दादी को क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हें सड़क पे उतार दिया था? गुलाब के फूलों के साथ कांटे भी लगे होते हैं, तो तुम बस गुलाब के फूलों पर फोकस करो, कांटों पे क्यों कर रहे हो? देखो हर इंसान के साथ अच्छा बुरा तो होता ही है। मैं अच्छी चीजें याद रखती हूँ, बुरी भूल जाती हूँ, और तुम भी ऐसी हो जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ इससे बता रही हूँ क्योंकि ये सब ऐसी नादानियों में उलझने लगा राबता तुझसे यूं, कैसे बातों ही बातों में बनने लगा। गिरते पड़ते कैसे रास्ता हमारा मिला, चलते चलते राह का फिर बताना चला। मेरी बातें सुन रहे हो? सही कह रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्या कहा तुमने। तुमने कुछ सुना ही नहीं। खैर सुने कह रहा हूँ, जो कहा है सही कहा है। खैर पापा का फोन आया था, कह रहे थे आने के लिए, मीना की बर्थडे है ना। तुमने क्या कहा? कहना क्या है, कह दिया कि जापान में नहीं आ सकती। लेकिन तुम मीना को मेरी तरफ से गिफ्ट्स पहुंचा दोगे? नहीं। मुझे क्या देख रहे हो, अंदर जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं होगा। तुम सलमान सिद्दीकी से किसी फायदे के लिए नहीं मिल रहे हो, तुम बस अपने रूल सेट कर रहे हो। तुम्हें उनको यह बताना है कि तुम उनके साथ काम करो नहीं करो, तुम्हारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर तक वापस ना हो ना तो अंदर आ जाना लड़ाई छुड़वाने। इजी हो जाओ, जाओ। Guess what? What? मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। Really? आओ लाइट्स वगैरह। ओए ज़ुल्फ़ी, इधर आना। कहाँ जा रहे थे? हैं? क्या हो गया अगर दो गालियाँ दे दी? चल। कोई बात नहीं। चल। I'm sorry. बस। Sorry, दीनू भाई, मुझे ज़ुल्फ़ी आप ही ने बनाया है। I love you यार। चल निकल, चल चले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। दीनू, हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी नूर का बॉस। ओह
अरे आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। आइए आइए आइए। जी बस मीना के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो अंदर ले आऊँ। अच्छा जी, चलो भाई उठाओ, मदद करो। देख के बहुत भारी है। वैसे ही निकलो, आपने तो बुलाया नहीं तो हम खुद ही आ गए। हम? वो एक्चुअली मैं कई बंदों के बराबर हूँ ना, इसलिए अपने आप को हम बोलता हूँ। नूर ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। क्या कह रही है? ये कह रही है कि नूर बाजी क्यों नहीं आई, आप केक काटें। नहीं ना अंकल, केक तो ये दोनों काटेंगे। ये कैसे? रेडी? मेरी मीना की बर्थडे हो और मैं नहीं आऊं? चलो केक काटते हैं, मेरी वापसी की फ्लाइट। डीनो, वो मैं सोच रही थी कि मैं आज सोफे पे सो जाती हूँ। कम ऑन यार, हम दोनों सोफे पे पूरे कैसे आएंगे? मेरे कहने का मतलब था कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। हाँ अच्छा, और आज इतनी मेहरबानी क्यों? वो असल में ना मैं बेड पे सो सो के बहुत बोर हो गई हूँ। नहीं, तुम बेड पे, मैं सोफे पे। हाँ तुम्हारे लिए सोफा ही ठीक है, तुम्हें सिगरेट जो पीनी होती है। अच्छा तो मैं गुस्सा पी लूँ, सिगरेट नहीं पीऊं। कूल। इसने तो सारे सिगरेट्स फेंक दिए। तुम्हें तो सिगरेट्स बहुत पसंद थी, तुमने सारी फेंक दी। हाँ, वो मेरी पसंद को पसंद नहीं थी। के तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन, तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी। अब तुमको ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो, मैं जा रही हूँ। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही। क्या मतलब? उठो मेरे बिस्तर से। अरे उठो, जाओ यहां से, जाओ। सॉरी, मेरी अगर किसी भी बात और हरकत से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मैं माफी चाहता हूं। गुड नाइट। तुम्हें तो सिगरेट्स बहुत पसंद थी, तुमने सारी फेंक दी। हाँ, वो मेरी पसंद को पसंद नहीं थी। सुन रही नेगा खामोश दास्तां, कर रहा गुमा द
दिल ये बेज़ुबान चल लिया तुझे ए मेरे मेहरबान, कैसे तू मेरी रूह में बस गया कि तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन, तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी कि तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन, तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी। दादी, वो मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। दिनों से फिर लड़ाई हुई है? मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती हूँ। क्यों, आप क्या हो गए? दादी, मुझे डीनो से प्यार हो गया है और मैं उसको सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। जहाँ सच नहीं वहाँ प्यार नहीं, और अब मैं उससे और झूठ नहीं बोल सकती। फिर अब क्या होगा? प्यार का यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं होता कि फिर क्या होगा। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि उसको ये सब बताने से पहले तुम उसको उससे कह दो कि तुम उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हो, क्योंकि वो झूठ पर है। फिर देखेंगे क्या करना है। दीनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है क्योंकि ये झूठ पर है, और मैं मुझसे नहीं होगा, मैं दोबारा प्रैक्टिस करती हूँ। दीनो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि अभी नहीं, रात में। रात में ऐसा क्या है? एक स्पेशल डिनर है, सब अपने अपने ही होंगे, वहां पे कह देना। लेकिन मेरी बात तो सुन। रात में? अच्छा सुनो, कुछ स्पेशल पहनना, सब देखते रह जाए। दादी, ये सब किसने किया? डीनो ने किया है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं बताया? नहीं। तुम्हारी उससे बात हो गई थी, वो जो तुम करना चाह रही थी? वो मैं अभी तक नहीं कर सकी। उफो बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम भाई, डीनो कहाँ है? डीनो आ गया। सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाय। हाय। अच्छी लग रही हो। अब ये सब किस लिए? एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। कैसे ऐसी पार्टी लॉन्च कर रहे हो? हैव अ सीट। ओके डीनो, यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑलराइट। चंद हफ्तों पहले मैं बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान था, फिर मेरी जिंदगी में एक शख्स आया और उसने मुझे इस चीज का यकीन दिलाया कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। उसके साथ वक्त गुजारते गुजारते मैं कब बेहतर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। नूर, आई रियली लव यू। लेकिन उससे पहले मैं दादी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। दादी जरूरत है,
मैंने नूर को आपके सामने एक फेक बीवी बना के पेश किया और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके पैसे के लिए किया। क्या आप मुझे प्लीज माफ कर देंगी? ओके, गो अहेड। थैंक यू। नूर, तुम्हें पोस्ट करना चाहता हूँ। दीनू प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें अपनी असली बीवी बनाना चाहती हूँ। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? दादी को शुरू से पता था कि मैं तुम्हारी असली बीवी नहीं हूँ। मुझे भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे हायर कर लिया था। दादी, दीनू, मुझे पता चला कि रिश्ता तुमने पैसों के लिए रेंट पे लिया था और मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि रिश्ते रेंट पे नहीं लिए जाते। रिश्ते पैसों से बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। दीनू, हमारा रिश्ता झूठ से शुरू हुआ था, लेकिन मेरा प्यार सच है। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम अब एक्टिंग नहीं कर रही हो और सच कह रही हो? दीनू, मैं तो समझता था कि सिर्फ मैं ही एक झूठा हूं। क्या कोई भी सच्चा है यहाँ पे? दीनू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच है। पहली बार मैंने अपने रिश्तों के ऊपर भरोसा करने की कोशिश की और उन्हीं रिश्तों ने मेरा सारा भरोसा खत्म कर दिया। तुझसे यूं कैसे बातों ही बातों में बनने लगा, गिरते पड़ते कैसे रास्ता हमारा मिला, चलते चलते राह का फिर बताना चला कि तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन तेरे नाम। मुझसे सब कुछ गलत हो गया, मैंने आपसे झूठ बोला, आप मुझे माफ कर देंगे ना? झूठ तो कमजोर ज़हनियत के लोग बोलते हैं बेटा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई। पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं इसलिए तो आपसे माफी मांग रही हूँ। गलती होती नहीं है बेटा, गलती हम करते हैं। मुझे पता है कि हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि इस झूठ से जितने पैसे हमने लिए हैं वो फौरन वापस कर सकें, लेकिन गलत रास्ते की कमाई सही रास्ते पे नहीं लगाई जा सकती। हम सब मिलकर उनकी रकम वापस करेंगे। हाँ, इनका झूठ नहीं बोल रहा। सुन रही नगा खामोशुदासता, कर रहा गुमा दिल ये बेजुबान, चुन लिया तुझे ए मेरे मेहरबान, कैसे तू मेरी रूह में बस गया कि तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी, के तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी। मेरे लिए पैसे जमा किए?
आपसे नाराज नहीं होते बेटा। I'm sorry, दादो। मैंने आपसे झूठ बोला और खुद ही उसमें फंस के रह गया। मुझे दुख है कि मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। I love you, मेरा बच्चा। I love you too. तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा बहुत अच्छे इंसान थे। हम दोनों का प्यार पहले दिन की तरह आखिरी दिन तक एक जैसा रहा। इसलिए नहीं कि बहुत परफेक्ट हस्बैंड थे या मैं बहुत परफेक्ट थी, लेकिन इसलिए कि हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट थी। पता है क्यों? अगर उनसे कोई गलती हो जाती ना, तो फौरन सॉरी कह देते। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती, तब भी वही सॉरी कहते थे। बेटा, माफी मांग लेना और माफ कर देना कामयाब शादी का सुबैदा आपा का टोटका है। देखो, एक मेरी बात सुनो। मोहब्बत में कोई हिसाब नहीं होता, मोहब्बत लाहिसाब होती है। सो बेहिसाब रहो। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। दुल्हन, अब जो मैं आपको बोलूँगा वो आपने दोहराना है। आपको बहक मेहर शरई दानिश बल अब्दुलरहमान के साथ निकाह कबूल है? जी, मुझे बावस हक मेहर शरई डीनो बल। ये क्या हो रहा है? काट, क्या कर रही हो? लाइनें नहीं हो रही तुमसे? कौन है ये डीनो जिसका नाम बार बार ले रही हो? मैं हूँ डीनो। नूर, फाइनल टेक होगी अब। बीटेक का मार्जिन नहीं है। सुन रही निगाह खामोशुदास्तां कर रहा गुमा दिल ये बेजुबान चुन लिया तुझे ऐ मेरे मेहरबान। मुझसे शादी करोगी? हमने तो शादी के रूल्स ही नहीं बनाए। मैंने बनाया ना। सुनो, रूल नंबर वन, बीवी कभी गलत नहीं होती। रूल नंबर टू, अगर खुद भी कभी गलती करो तो अपने ही हाथों से पकड़ के अपना कान मोड़ दो। फिर रूल नंबर वन वापस पढ़ लो। अब मेरे रूल सुनो। रूल नंबर वन, हम कभी भी एक दूसरे से एक साथ नाराज नहीं होंगे। और नाराज होने के एक दिन पहले एक दूसरे को बता दें। रूल नंबर टू, अगर बहस में हमें लगा कि हमें से किसी एक को जीतना है तो हम अपने लाइफ पार्टनर को जिताएंगे। रूल नंबर थ्री, कम से कम एक स्वीट जुमला तो रोज एक दूसरे को बिला वजह बोलेंगे। ऐसी नादानियों में उलझने लगा राबता तुझसे यूं कैसे बातों ही बातों में बनने लगा गिर।